I am Gopi Kumar Srivastav. This is my second video of chapter 6, Colonialism and the City. In this video, I am discussing a new topic, the making of New Delhi. So, किस प्रकार से नया दिल्ली को बनाया गया था? हम लोग डिस्कस करते हैं. In 1803, the British gained control of Delhi after defeating the Maratha. मराठाओं को हराने के बाद 1803 में ब्रिटिश ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया और कंट्रोल कर लिया. Since the capital of British India was Calcutta, जो उस समय कैपिटल हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया का वो कलकत्ता हुआ करता था, और the Mughal Empire was allowed to continue living in the palace complex in the Red Fort. और मुगल को ये अलाउ किया गया था कि आप रेड फोर्ट में बिल्कुल रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप रहिए. पर उससे जो राजपाट था, जो पावर था, वो सिर्फ छीन लिया गया. The modern city as we know it today developed only after 1911. When Delhi become the capital of British India. फिर उसके बाद मॉडर्न सिटी को बनाया गया कलकत्ता के बाद, जिसे हम दिल्ली कहते हैं. और वो दिल्ली 1911 में मॉडर्न बनाया गया, नया तरीका बनाया गया, नया कैपिटल बनाया गया. तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, 1911 में ब्रिटिश ने दिल्ली को मॉडर्न इंडिया के रूप में, मॉडर्न सिटी के रूप में आगे बढ़ाया. अगला टॉपिक जो है हमारा वो है डेमोलिशिंग अ पास्ट. डेमोलिशिंग अ पास्ट मतलब ध्वज करना या तबाह करना, मतलब हमारा जो पास्ट था, जो हमारा जो इतिहास था, उसे ब्रिटिश ने पूरी तरह से ध्वज कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. इंडियंस एंड द ब्रिटिश वेयर शार्पली सेपरेटेड. सबसे पहले इंडिया का जो लोग था, भारतीय जो थे, अब ब्रिटिश को सबसे अलग किया गया. इंडियन लिव इन द ब्लैक एरिया एंड ब्लैक एरिया अवॉइड द ब्रिटिश लिव्ड इन वेल. यहाँ पे ये कहा गया जो इंडियन थे वो ब्लैक एरिया में रहते थे, मतलब कि वो गलियों में, टूटे फूटे झोपड़ियों में रहा करते थे गरीब लोग. और जो यहाँ पे जो ब्रिटिश थे वो हवेलियों में रहा करता था, वाइट एरिया में रहता था. ठीक है, जो नहीं बताया था मैंने कि 40 गेट बनाया गया था, इसी के बारे में चर्चा है. यहाँ लेड आउट द वाइट एरिया, यहाँ पे लेड आउट के मतलब बताया गया वाइट एरिया के बारे में कि ब्रिटिश वहाँ रहता था. इन दिल्ली स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी the British live along with the wealthier Indian in the wealthy city. ये कहा गया है कि first half तो 19th century का first half, उसमें जो ब्रिटिश जो है वो भारतीय जो संपत्ति, जो लोग भारतीय अमीर भारतीय थे, उनके साथ वो wealthy city में ब्रिटिश रहते थे. भारत के जो इंडियन रहते थे ना, जो रिच हुआ करते थे, उनके साथ रहते थे. अब वेलेट सिटी क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. अब वेलेट सिटी इज वन डैट इज सराउंडेड और मोस्टली सराउंडेड बाय द वॉल और सम अदर फोर्टिफिकेशन. वेलेट सिटी वो सिटी था जहाँ पे फोर्टिफिकेशन था, चारों ओर वो किलों से घेराबंदियों में था, बंधा हुआ था और घिरा हुआ था, उसे हम वेलेट सिटी कहते हैं. द ब्रिटिश लर्न टू इन्जॉय द उर्दू पर्सियन कल्चर एंड द पोएट्री एंड द पार्टिसिपेटेड इन द लोकल फेस्टिवल ऑल्सो. यहाँ पे कहा गया ब्रिटिश बड़ी ही इन्जॉय करने लगा हमारे उर्दू में, पर्सियन में, जो उस समय चलता था, उर्दू चलता था, पर्सियन चलता था. ठीक है, बहुत सारा पोएट्री पढ़ने लगा और हर तरह का फेस्टिवल में, जो लोकल में, उसमें वो पार्टिसिपेट करने लगा. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली कॉलेज इन 1792, एक दिल्ली कॉलेज बनाया गया 1792 में, लीड टू अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लोरिंग इन द साइंस एज वेल एज ह्यूमैनिटीज. वो आपका फोकस दिया साइंस पे और ह्यूमैनिटीज पे, लार्जली इन द उर्दू लैंग्वेज. मतलब एक जो कॉलेज बनाया गया वो आपका उर्दू लैंग्वेज में, ह्यूमैनिटी पे, साइंस पे, इन बातों पे, इन सब्जेक्ट पे ध्यान देने लगा और उसे आगे बढ़ाने लगा. मेनी रिफर्स टू द पीरियड फ्रॉम द 1830 टू 1852 एज अ पीरियड ऑफ दिल्ली रिनेसेंस. यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो 1830 से लेकर 1830 से लेकर 1857 को रिनेसेंस कहने लगा कि आखिर ये रिनेसेंस है क्या, इसे भी हम लोग समझते हैं. लिटरेरी द रीबर्थ ऑफ द आर्ट्स एंड लर्निंग. किसी चीज़ का रीबर्थ होना, मतलब आर्ट्स और लर्निंग, कला आना, नया तरह का सीख आना, ये आपका रिनेसेंस कहलाता है. इट इज़ अ टर्म ऑप्टेन यूज टू डिस्क्राइब द टर्म डिस्क्राइब टाइम वेन द देयर इज अ ग्रेट क्रिएटिंग एक्टिविटी. ये वो टाइम था जहाँ पर क्रिएटिविटी हो रहा था, नई नई चीज़ें आ रहा था, नए नए आर्ट्स आ रहा था, नई नई कले आ रहा था, नया नया लर्निंग आ रहा था, लोग नई नई चीज़ों को सीख रहे थे, लोग साइंस के बारे में समझ पा रहे थे, लोग ह्यूमैनिटी के बारे में समझ पा रहे थे, लोग उर्दू को समझ पा रहे थे. वहाँ कॉलेज में उर्दू को पढ़ाया जा रहा था, तो लोगों को यहाँ पे पहचान मिला, एक कॉलेज मिला. ये रिनेसेंस है, रिनेसेंस मतलब रीबर्थ होना किसी कल्चर का, किसी आर्ट्स का, किसी लर्निंग का. तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज रिनेसेंस, तो आप तैयार रहिए.
बट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ द 1857, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, लड़ाई हुआ, द सिचुएशन चेंज इन दिल्ली, दिल्ली के जो सिचुएशन था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। द रिवेल गेदर इन द सिटी, जो रिवेल गेदर हुआ, गेदर मतलब इकट्ठा हुआ, एंड द परसुडेड राजी द बहादुर शाह जफर बहादुर शाह टू बिकम द लीडर ऑफ द अपराइजिंग। मैंने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था 1857 रिवोल्ट, जिसमें मैंने बताया था कि वहाँ पे आपका जो बहादुर शाह जफर ये सॉरी बहादुर शाह जो थे उन्होंने रिबेल कर दिया था, रिबेलियन के साथ मिलकर वो एक अपराइजिंग कर दिए थे कि नहीं ब्रिटिश को अब हटाना है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक को क्या किया, अटैच किया गया है। अगर इस टॉपिक को समझना है तो आप चैप्टर 5 को भी अच्छे तरीके से देख लें, समझ लें, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा कि मैं किस रिबेलियन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बहुत फेमस रिबेलियन था 1857 का। When the British regained the city, the remarkable on the campaign of the revenge and the plunder, lootmark. यहाँ पे ये कहा गया ब्रिटिश ने रीगेन किया था सिटी को। आपको मैं बता दूँ कि रिवोल्ट के अंतर्गत बहुत सारे रिविलियन जो थे जो भारत के तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे सिटी को अपने आप कब्जे में ले लिया था, पर ब्रिटिश ने फिर से रीगेन कर लिया, ब्रिटिश ने उसे हरा दिया, लोगों को, भारतीय लोगों को, शाहजहाँ को, और फिर से बहुत सारे जो सिटी थी उसे अपने अंदर कैप्चर कर लिया। When the angry lion, the British, angry lion यहाँ पे ब्रिटिश को कहा जा रहा है, enter the town, they kill the helpless and burn the houses। यहाँ पे ये कहा गया जो उन्होंने जो लाइन ब्रिटिश थे वो इंटर किए थे टाउन में, शहरों में घुसे और बहुत सारे हेल्पलेस को मार दिया, बहुत सारे घर को जला दिया गया। होर्डर्स, होर्डर मतलब यहाँ फौज होता है, मेन एंड द वोमेन, कमांडर्स आम आदमी एंड द नोबल मैन, रहीस जिसको भी कह सकते हैं, और पोवर्ड मतलब निकलना, आउट ऑफ दिल्ली फ्रॉम द थ्री गेट एंड द टुक शेल्टर इन द स्मॉल कम्युनिटी एंड द टॉम आउटसाइड द सिटी। यहाँ पे कहा गया जो फौज था ये यहाँ पे घरों को जलाने के बाद, होपलेस को मारने के बाद, बहुत सारे जो लोग थे जो बच गए थे, उनका जो फौज था मेन और वोमेन का, वो लोग जो रहीस थे, जो गरीब थे, सभी लोग वहाँ से निकल गए उस जगह से, आउट ऑफ द दिल्ली, दिल्ली से निकल के वो फ्रॉम द थ्री गेट एंड टुक शेल्टर इन द स्मॉल कम्युनिटी एंड द टॉम आउटसाइड द सिटी, आउटसाइड सिटी के आसपास रहने लगे। जब घरों को जला दिया गया तब हुआ था ऐसा। टू प्रिवेंट अनदर रिबेलियन द ब्रिटिश एक्साइल्ड द बहादुर शाह टू द रंगून जेल बुर्मा म्यांमार। बुर्मा आपका म्यांमार में मिलेगा। और यहाँ पे ये कहा गया कि ब्रिटिश को ऐसा लगा कि एक और रिवेलियन ना हो जाए, एक और झगड़ा ना हो जाए, तो उन्होंने ये समझ गया कि बहादुर शाह जफर को जेल कर देना चाहिए, तो रंगून के एक जेल में जो म्यांमार में है, जिसे बुर्मा भी कह सकते हैं, और सॉरी जो बुर्मा है जो म्यांमार में है, उस वहाँ पे उसे कैद कर लिया गया। एंड डिसमेंटल धवस हिट्स कोर्ट्स रेज सेवरल ऑफ द प्लेसेस एंड द क्लोज डाउन द गार्डन एंड द बिल्ड द ब्राक्स ट्रूफ इन देयर प्लेस। यहाँ कहा गया कि उनके जो जगह था शाहजहाँ का, उसको वो तबाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, गार्डन को तोड़ दिया, फोड़ दिया, प्लेस को खराब कर दिया, पैलेस को, ठीक है, और वहाँ पे सैनिक को पहरेदारी शुरू कर दिया। मतलब इस तरह से ब्रिटिश ने पूरी कंट्रोल कर लिया और शाहजहाँ को कैद कर लिया। द एरिया अराउंड द फोर्ट वाज कंप्लीटली क्लियर ऑफ द गार्डन पेवेलियन एंड द मॉस्क्यू। सभी एरिया को क्लीन कर लिया गया, खाली करा लिया गया। मॉस्क्यू इन द पार्टिकुलर वेदर डिस्ट्रॉय और पुट टू द अदर यूजेज। यहाँ पे ये कहा गया जो मॉस्क्यू हुआ करता था वहाँ पे उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर किसी और काम में इन्वॉल्व कर दिया गया उसे। जिन्नत ओल मस्जिद, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। वाज बिल्ड इन द ईयर 1707 AD बाय द जिन्नत ओल निसा, ठीक है, औरंगजेब सेकेंड डाउटर। ये औरंगजेब का सेकेंड डाउटर है जिनके नाम पे जिन्नत उल मस्जिद बनाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये कहा गया है जिन्नत वाज कन्वर्टेड इनटू द बेकरी। जिन्नत उल जो मस्जिद था उसे बेकरी में बनाया गया, मतलब खाने पीने की जगह में बनाया गया, वहाँ खाना बनाया जाता था, बेकरी किया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं जो औरंगजेब की जो बेटी थी, सेकंड डॉटर थी, उसके नाम पे जो मस्जिद था उसे भी किसी और काम में लगाया गया। ब्रिटिश ने सब भी कुछ बदल दिया। वन ऑफ द सिटी डिमोलिश एंड इट्स कैनल वेयर फील्ड अप। उसके बाद सभी सिटी को डिमोलिश किया गया, ध्वस्त किया गया और कैनल को फील्ड अप किया गया, मतलब भरा गया।
इन 1870 द वेस्टर्न वर्ल्ड शाहजहानाबाद वेयर ब्रोकन टू द एस्टेब्लिश द रेलवे एंड टू अलाउ द सिटी टू एक्सपेंड बियॉन्ड द वर्ल्ड। जो शाहजहानाबाद में जो 14 गेट था उसके जो वॉल थे उसे तोड़ दिया गया ताकि रेलवे लाइन को बिछा दिया जाए और शहर को और बड़ा बना दिया जाए। ये ब्रिटिश के द्वारा ऐसा किया गया था। द ब्रिटिश नाउ बिगेन लिविंग इन द